हेलो क्लास टेंथ, क्या हालचाल है? बढ़िया। सो बच्चों, आज हम लेकर के आए हैं लेक्चर नंबर 2 ऑफ मैग्नेटिज्म चैप्टर। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों से बातें की थी हिस्ट्री ऑफ मैग्नेटिज्म एंड हाउ टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, हाउ टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ मैग्नेट। एंड हमने बताया था आपको, कैटेगराइज किया था मैग्नेट को कि मैग्नेट नेचुरल आर्टिफिशियल होते हैं, बार मैग्नेट, हॉर्सू मैग्नेट के बारे में मैंने आपको बताया था। एंड आफ्टर दैट हमने ओस्टेड का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। ओस्टेड के एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कि जब किसी वायर से करंट फ्लो करता है तो अगर हम मैग्नेटिक कंपास रखें तो मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन आता है। इट मीन्स दैट कि जब भी किसी वायर से करंट फ्लो करेगा तो वायर के अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होती हैं, और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, आई मीन मैग्नेटिक कंपास के मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इंटरैक्ट होती हैं और मैग्नेट में डिफ्लेक्शन देखा जाता है। ठीक है, ओके। सो आज के लेक्चर में हम बातें करेंगे, सबसे पहली बात जो हम करेंगे वो करेंगे राइट हैंड थंब रूल। किसके बारे में बात करेंगे? राइट हैंड थंब रूल के बारे में बात करेंगे। हमारी बात होगी राइट हैंड थंब रूल पे। देखो, राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई कंडक्टर है, जैसे ये एक कंडक्टर है, तो कंडक्टर के अराउंड में अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन निकालना है तो आप क्या करो कि मान लो कि ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर, तो ये जो तुम्हारा अंगूठा है ना, इसको ऐसे सपोज करो कि ये कंडक्टर है, तो ये थंब जो है तुम्हारा ये ऐसे हो गया, ठीक है। और अब ये जो तुम्हारी ये उंगलियां जो है, ये जैसे मुड़ेंगी ना, वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा। दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। दिख रहा है? दिख रहा है? देखो इधर, ये रहा कंडक्टर तुम्हारा और ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन, ये रहा। कैसे रहा? ये इसके अराउंड में ऐसे ऐसे, दिख रहा है? ऐसे अंदर से बेटा, अंदर से देखो, ये अंदर से बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ, बाहर की तरफ निकल, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कैसे? ऐसे हो जाएगा, फिर कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। बात समझे? फिर से कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और फिर से कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा, ठीक है। फिर कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा। समझ गए? ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द, क्या ये किसका डायरेक्शन है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। अगर हमने एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिया तो ये जो उंगलियां देखो, ये थंब जो है ये करंट के डायरेक्शन को पॉइंट आउट करता है, थंब जो है वो करंट के डायरेक्शन को, और ये जो फिंगर्स फिंगर्स है, जब फिंगर्स को कर्ल करोगे आप, दैट कर्ल कर्ल, ये जो कर्ल कर रहे हो ना, ये जो कर्ल कर रहे हो आप, देखो ऐसे ऐसे कर्ल कर रहे हो ना, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ऐसे ऐसे देख रहे हो, ये थंब जो है वो करंट के डायरेक्शन को, और ये जो उंगलियां हैं वो किसको? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन। बात समझ में आई सबको? क्लियर है? देखो इधर, हमने कहा था कि हमारे पास एक कंडक्टर है ऐसा, और यहां पर ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर से सपोज कर लो, ऐसे सपोज कर लो कि ऐसे ये करंट जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है ऐसे, ठीक है, आई करंट इज फ्लोइंग। और हमने कहा कि हमारे पास ये एक मैग्नेटिक कंपास है, ऐसे करके रखा हुआ। हमने कहा कि ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, साउथ टू नॉर्थ, याद है तुमको स्नो रूल, साउथ टू नॉर्थ ओवर वेस्ट, वेस्ट की तरफ नॉर्थ पोल जाता है। साउथ से नॉर्थ की तरफ जब जाएंगे तो ओवर वेस्ट की तरफ कौन चला जाता है? वेस्ट की तरफ कौन चला जाता है? नॉर्थ पोल चला जाता है। तो स्नो रूल को रिप्लेस करने के लिए आया राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल की मदद से भी आप पता कर सकते हो। सपोज करो ये कंडक्टर है, दिस वन इज कंडक्टर, ओके, यहां से ऐसे करंट जा रहा है, ऐसे ऐसे, और यहां पर तुम्हारा मैग्नेट है, ध्यान से देखना, यहां मैग्नेट है, कैसे है मैग्नेट देखो ध्यान से, ये ऐसे ऐसे, कैसे है? ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे। यहां पर कौन है? साउथ पोल। यहां कौन है? नॉर्थ पोल। ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, और साउथ से नॉर्थ की तरफ करंट का डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो, अब जैसे ये कंडक्टर है तुम्हारा, तो करंट के डायरेक्शन में किसको रखना है हमको? थंब को रखना है, थंब को रखना है, तो ये रख दिया मैंने थंब, थंब रख दिया करंट के डायरेक्शन में। और यहां देखो, अब जब मैं इस फिंगर्स को कर्ल करूंगा, ऐसे ऐसे कर्ल करूंगा ना, देख रहे हो,
ऐसे कल करूंगा ऐसे ऐसे, तो यहां देखो यहां नॉर्थ पोल था यहां साउथ पोल है, तो जब ऐसे जब कर्ल होंगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस पे झटका मारेंगे, ऐसे मैग्नेट पे झटका मारेंगे ऐसे, तो मैग्नेट किधर भागेगा, इधर भागेगा, इधर इधर भागेगा, तो ये हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ, बात सुनना, ये हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ, हमारे राइट ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट, तो नॉर्थ पोल किधर भागा, देखो इधर इधर नॉर्थ पोल इधर भागा ना, तो किधर गया, वेस्ट की तरफ गया कि नहीं, वेस्ट की तरफ गया ना, तो स्नो रूल को सेटिस्फाई किया कि नहीं, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल स्नो रूल को सेटिस्फाई किया, ध्यान से एक बार और देखेंगे पूरा पूरा कंसंट्रेशन लगाकर, समझ में आएगा, ये कंडक्टर करंट कैसे जा रहा है ऐसे, साउथ पोल का है यहां पर है, यहां साउथ पोल, यहां पर नॉर्थ पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल, ठीक है, करंट का डायरेक्शन ऐसे। अब मैंने फिंगर्स को जब ऐसे कर्ल किया, ऐसे कर्ल करूंगा तो ये फिंगर्स जो है दैट इज एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो ऐसे ऐसे झटका मारेगी, ऐसे झटका मारेगी, तो यहां पर साउथ यहां नॉर्थ, ऐसे जब झटका मारेगी, झटका मारेगी तो मैग्नेट किधर भागेगा, इधर, मैग्नेट अगर ऐसा होगा, लेट अस सपोज कि ये मैग्नेट है, तो अगर मैंने झटका ऐसे दिया तो ये ऐसे करेगा कि नहीं, अगर ऐसे है ऐसे हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा, तो नॉर्थ पोल इधर भागा और ये रहा साउथ पोल, तो नॉर्थ पोल ये रहा साउथ पोल ये रहा, बात समझ रहे हो, तो नॉर्थ पोल किधर गया बेटा, आपने यहां पर साउथ पोल बोला था, यहां नॉर्थ पोल बोला था, तो आपके राइट जो होगा वो क्या हो जाएगा ईस्ट, और लेफ्ट में क्या हो जाएगा वेस्ट, तो ये देखो नॉर्थ पोल किधर घूम रहा है, वेस्ट की तरफ, तो यही तो हमारा स्नो रूल कहता था कि साउथ से जब नॉर्थ की तरफ जाओगे तो वेस्ट की तरफ मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल घूम जाएगा। राइट हैंड थंब रूल का यूज समझ में आया क्या, डिड यू गेट व्हाट एक्चुअली राइट हैंड थंब रूल इज, आया, ठीक है। अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होती है उसके बारे में बात करेंगे। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर होगा हमारे पास और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होगी, वी विल डिस्कस अबाउट दैट। देखो इधर, लेट अस सपोज कि हमारे पास एक कार्डबोर्ड है, क्या है हमारे पास, एक कार्डबोर्ड है, ठीक है, ये रहा हमारे पास एक कार्डबोर्ड, इसका नाम है कार्डबोर्ड, क्लियर, और यहां पर हमने इसमें होल कर दिया और यहां से एक वायर लेकर के गए हैं, और ये रहा वायर हमारा, यहां ऊपर से ये वायर ऐसे करके है, और यहां पर ये हमने क्या किया कि करंट को ऐसे भेज रहे हम आई करंट को, सो यहां पर हमने जाकर के क्या लगा दिया, एक अपना सेल लगा दिया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव, करंट का डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे आ रहा है। अब इस कार्डबोर्ड पर हमने छोटे छोटे आयरन के टुकड़े, मतलब आयरन फिलिंग्स जिसको बोलते हैं, वो इसमें स्प्रिंकल कर दिए, क्या कर दिए, स्प्रिंकल कर दिए, छींट दिए, बिखरा दिए। तो जब तुम छोटे छोटे आयरन के फिलिंग्स इसमें स्प्रिंकल कर दोगे तो क्या होगा ना कि जैसे ही इससे करंट पास कराना स्टार्ट करोगे तो यहां पर वायर के अराउंड में ऐसे आयरन फिलिंग्स ऐसे सर्कुलर मोशन में ऐसे ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल्स का फॉर्मेशन करेंगे, ऐसे ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल्स का फॉर्मेशन करेंगे, देखो इधर ऐसे 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 कंसेंट्रिक सर्कल्स का फॉर्मेशन, क्लियर है सबको, क्लियर है, पहले से यहां पर आयरन फिलिंग्स थी और हमने जब इसमें करंट पास कराया तो यहां से आयरन फिलिंग्स क्या करी, कंसेंट्रिक सर्कल्स का फॉर्मेशन की। तो ये जो कंसेंट्रिक सर्कल बन रहा है आयरन फिलिंग्स का, ये एक्चुअली क्यों बन रहा है, तो बात को ध्यान से सुनना, देखो ये तुम्हारा कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड कैसा रहता है, ऐसा रहता है ना, ऐसा 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 ऐसा, ये कार्डबोर्ड ऐसा ऐसा ऐसा, अब इसमें आपने होल कर दिया, ऐसे होल कर दिया, ठीक है, और फिर बाद में क्या किया, एक वायर को निकाल करके ऐसे ले जाकर के बैटरी जोड़ करके इसमें से करंट ऐसे पास करा दिया ऊपर की तरफ, ठीक है। अब इसमें से जब तुम वायर में से करंट पास करा रहे हो, ऐसे पास करा रहे हो, करंट ऐसे ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो भैया उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, ध्यान से देखना, करंट का वायर देखो ऐसे ऐसे ये ऊपर की तरफ जा रहा है, अब इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होंगी, क्या जनरेट होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो उसका डायरेक्शन निकालना है, तो देखो राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, राइट हैंड थंब रूल, थंब क्या दिखाएगा, करंट का डायरेक्शन, और ये जो फिंगर्स होंगी, लुक एट हियर, ये जो फिंगर्स होंगी, ये इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूं, ठीक है, अब मैं ऐसे अगर कर रहा हूं तो ये फिंगर्स कैसे घूमेंगी, ऐसे घूमेंगी, देखना ध्यान से कैसे घूमेंगी, ऐसे घूमेंगी, देखना ऐसे घूमेंगी, ऐसे ऐसे घूमेंगी, मतलब ये अंदर की तरफ जाएगी, ध्यान से देखो ये कैसे जाएगी, अंदर की तरफ जाएगी, अंदर की तरफ, और फिर इधर से किधर आएगी, बाहर की तरफ, मतलब यहां पर कैसे जाएगी, बाहर की तरफ, यहां कैसे आएगी, अंदर की तरफ, फिर बाहर की तरफ, फिर कैसे, अंदर की तरफ, बस समझ रहे हो, तो ये देख रहे हो क्या डायरेक्शन बन रहा है तुम्हारा, ये ऐसे 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 ऐसे, दिस विल बी द डायरेक्शन, ऐसे ऐसे डायरेक्शन होगा, ये 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 और ये। जब कभी आपको जानना हो कि साउथ पोल किधर है, नॉर्थ पोल किधर है, तो देखो अगर डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का
क्लॉकवाइज है, अगर कैसा है क्लॉकवाइज, इफ द डायरेक्शन, इफ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज है देन साउथ पोल, तो क्या हो जाएगा साउथ पोल होगा, ठीक है। एंड इफ एंटी क्लॉकवाइज, इफ एंटी क्लॉकवाइज देन क्या होगा नॉर्थ पोल, देन क्या होगा नॉर्थ, क्लियर है सबको, क्लॉकवाइज साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल, क्लॉकवाइज साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल। बात को देखो, सुनो, अगर हमने कहा कि ऐसे करके डायरेक्शन है, कैसे ऐसे, ये देखो इधर से इधर, इधर से फिर इधर, यहां देख रहे हो ये कैसा है क्लॉकवाइज चल रहा है, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, तो देखो ये साउथ पोल आ गया, देख रहे हो साउथ पोल। नॉर्थ पोल की बात करें अगर, तो नॉर्थ पोल में ये देखो ऐसे 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 जाएगा, तो ये देखो एंटी क्लॉकवाइज, तो जब कभी एंटी क्लॉकवाइज होगा इधर इधर देखो एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे 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 एंटी क्लॉकवाइज हो गया, और ऐसे 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 साउथ क्लॉकवाइज हो गया, तो क्लॉकवाइज होगा तो साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो नॉर्थ पोल, क्लॉकवाइज होगा तो साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो नॉर्थ पोल, क्लियर है सबको, समझ आ रहा है ओके। अब यहां से तुम देखो, यहां से तुमको क्या दिखेगा, ये नॉर्थ पोल दिखेगा, ठीक है, यहां पोल्स की बात ही नहीं कर रहे हम, यहां पर बात कर रहे हैं सिर्फ कि अगर भैया इफ द डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल होगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल होगा। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट करंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, गलती से लिख दिया मैंने, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज क्लॉकवाइज देन साउथ पोल, एंड इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज देन नॉर्थ पोल। रफ करें आप इसको, समझ में आ गया सबको, समझ में आ गया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, इस टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इसका नाम, मैग्नेटिक फील्ड टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, एक सीधा कंडक्टर था हमारे पास, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी उसका डायरेक्शन अगर हमको निकालना हो तो वी कैन यूज व्हाट, राइट हैंड थंब रूल। सबको समझ में आ गया तो फटाफट छाप ले, हो गया छाप लिया, ठीक है रफ करें ओके। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ सर्कुलर लूप, अभी तक हमने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, सीधा करंट कैरिंग कंडक्टर था तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और अब हम बात करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। बिफोर दैट मैं आपको बताऊं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ जो होती है, द स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। कोई कंडक्टर हमारे पास, उस कंडक्टर से कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है इस बात पे डिपेंड करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो कैसी होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ कैसी होगी। अगर करंट ज्यादा फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, अगर करंट कम फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ कम होगी। सबको समझ आ गया ओके। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। अब हमारे पास कोई सर्कुलर लूप होगा और उस सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बात हम करेंगे। तो सर्कुलर लूप बेटा कैसा होता है, ध्यान से देखना, सर्कुलर लूप का मतलब ये चीज, ठीक है। अब ये एक लूप है, मतलब ये एक वायर है, गोल गोल टाइप का तुम्हारा वायर है, ये सर्कुलर लूप टाइप का है। अब इसमें से क्या कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, लेट अस सपोज कि ऐसे 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 करंट फ्लो कर रहा है, ये सर्कुलर लूप है तुम्हारा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। अब ये ऐसे करके, अब हम कह रहे हैं कि जब तक इसमें से करंट फ्लो करेगा, हमने अभी तक बताया ना कि वायर से जब तक करंट फ्लो करता है तब तक वो मैग्नेट की तरफ बिहेव होता है, ओस्टेड ने बताया था कि वायर से जब तक करंट फ्लो करता है तब तक वो मैग्नेट की तरफ बिहेव करता है, और जैसे ही करंट देना बंद करते हैं तो फिर अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो लूज कर देता है ना। तो ये जो सर्कुलर लूप है, लेट अस सपोज कि इसको हम करंट दे रहे हैं, या करंट का डायरेक्शन ये रहा, ठीक है, यहां से आई करंट फ्लो हो रहा है, तो भाई ये किसकी तरह बिहेव करेगा, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा।
अब मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो बच्चों मैग्नेट तो ऐसा होता है हमारा बार मैग्नेट, हमने देखा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां होती हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ होती हैं ऐसे, और इनसाइड द मैग्नेट क्या होता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है, ठीक है ना। इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है, अराउंड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ होता है। कैसे निकाला था हमने, याद है कि हमने क्या रखा था, मैग्नेटिक कंपास रख दिया था, तो हमने देखा था नॉर्थ पोल ऊपर भाग रहा था, साउथ पोल नीचे, फिर ऐसे ऐसे करके हमने बार बार रखा था, तो ऐसे ऐसे करके ये एक फील्ड बनी थी, यहां जाकर के साउथ पोल ऐसे अट्रैक्ट हो रहा था, नॉर्थ पोल ऊपर था, उसी तरह नीचे वाली भी कहानी। तो मैं ये कह रहा हूं कि क्या जब हम इस सर्कुलर लूप से करंट पास कराएंगे तो क्या ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, अगर ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा देन दिस सर्कुलर लूप मस्ट हैव डाइपोल, दिस सर्कुलर लूप, इस सर्कुलर लूप के पास डाइपोल होना चाहिए, मस्ट हैव डाइपोल, इस सर्कुलर लूप के पास क्या होना चाहिए, डाइपोल होना चाहिए। डाइपोल का मतलब दो पोल होने चाहिए, दो पोल का मतलब नॉर्थ एंड साउथ, दो पोल जैसे एक मैग्नेट में होता है नॉर्थ एंड साउथ। फिर दूसरी बात कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की तरफ जानी चाहिए, इसमें भी ऐसा होना चाहिए, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। बात समझ में आ रही है, अगर ये मैग्नेट है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन होनी चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके दो पोल होने चाहिए, एक नॉर्थ पोल होना चाहिए और एक साउथ पोल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक नॉर्थ पोल होना चाहिए, एक साउथ पोल होना चाहिए। बात सबको समझ आ रही है, सबको क्लियर हो रहा है भैया, इसके दो पोल होने चाहिए, एक नॉर्थ पोल होना चाहिए, एक साउथ पोल होना चाहिए। चलो ठीक है, देखते हैं कि नॉर्थ पोल है या नहीं है, साउथ पोल है या नहीं है। तो हमने करंट ऐसे पास कराया, अब देखना ध्यान से, अगर तुम करंट ऐसे पास करा रहे हो, लुक एट हियर, करंट अगर तुम ऐसे पास करा रहे हो ऐसे, तो तुम देखना ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, राइट हैंड थंब रूल लगाए, ये करंट का डायरेक्शन देखो, करंट का डायरेक्शन ये रहा, करंट का डायरेक्शन ये रहा, और करंट का डायरेक्शन ये रहा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे 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 ऐसे, देखो इधर ये, अच्छा इधर देखो पहले तुम, ये करंट का डायरेक्शन ऐसे, ये ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे 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 बनेगी। ओके, ये करंट का डायरेक्शन ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे, देख रहे हो, ऐसे 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 होगा, ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, यहां पर ऐसे अंदर की तरफ होगा, यहां पर क्या होगा, ऐसे देखना, ऐसे होगा, ये ऐसे अंदर की तरफ, ऐसे ये तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पर बन रही है, बिल्कुल बन रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिल्कुल बन रही है। अच्छा, अब इसी चीज को अगर तुम कैसे देखना चाहो, इसी चीज को अगर तुम ऐसे देखो कि हम इस सर्कुलर लूप को थोड़ा ऊपर से देखते हैं, लेट अस सपोज कि करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे करंट ऐसे जा रहा है ऐसे, और अब तुम कहां से देख रहे हो बेटा, करंट जब यहां पर था, करंट यहां पर था, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे बन रहे थे, ऐसे ऐसे यहां पर ऐसे ऐसे बन रहे थे, यहां पर ऐसे ऐसे बन रहे थे, यहां पर ऐसे ऐसे चल रहा था, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन आएगा तुम्हारा वो ऐसे ऐसे करके आ जाएगा, इनसाइड द प्लेन, इनसाइड द प्लेन, प्लेन के अंदर होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अच्छा, अगर यहां से नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, यहां से समझते हैं। तुम्हारे पास एक क्या है, एक सर्कुलर लूप है, देखना ऐसे है तुम्हारे पास सर्कुलर लूप, दिखाई दे रहा है ऐसे, देखना ऐसे, ये सर्कुलर लूप है तुम्हारे पास, ठीक है, ऐसा करके सर्कुलर लूप है, और इस सर्कुलर लूप में करंट देखना कैसे जा रहा है, करंट कैसे जा रहा है, ऐसे 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 करंट जा रहा है, बात समझे, करंट कैसे जा रहा है, ऐसे ऐसे करंट जा रहा है। अच्छा, अब इसमें अगर तुमको डायरेक्शन निकालना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, तो तुम एक सिंपल काम करो कि मैक्सवेल ने एक रूल दिया था, मैक्सवेल कॉक स्क्रू रूल, कौन सा रूल, कॉक स्क्रू रूल, ठीक है। अब इस कॉक स्क्रू रूल को हम यहां भी यूज करेंगे, यहां भी यूज करेंगे, राइट हैंड थंब रूल मत यूज करो, उससे ज्यादा अच्छे समझ में नहीं आएगा, मैक्सवेल कॉक स्क्रू रूल यूज करते हैं यहां से। अब देखो ये जो है वो ऐसे है, ऐसे है, करंट का डायरेक्शन यही है, ठीक है, अब करंट का डायरेक्शन देखो ऐसे है ना, ऐसे ऐसे, बात समझ रहे हो, करंट का डायरेक्शन ऐसे ऐसे, तुमको दिख रहा है, दिख रहा है करंट का डायरेक्शन कैसे, ऐसे 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 चल रहा है, ठीक है, कैसा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया, क्लॉकवाइज अगर होता तो कैसा होता, ऐसे ऐसे होता, लेकिन मैंने कहा कि करंट का डायरेक्शन ऐसे है बेटा, ऐसे, तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। अब कॉक स्क्रू रूल क्या कहता है कि अगर करंट का डायरेक्शन ऐसे है तो आप एक काम करो, आप एक स्क्रू लो, स्क्रू, ठीक है, और करंट जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में उस स्क्रू को घुमाओ। क्या करना है, करंट जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में स्क्रू को घुमाना है, तो करंट इस डायरेक्शन में, तो मैं स्क्रू को देखो,
करंट के डायरेक्शन में घुमाता हूँ, ऐसे ऐसे घूमेगा ना, ऐसे 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 ऐसे, देखो ऐसे ऐसे घुमा, 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 तो ये ऊपर की तरफ स्क्रू आने लगा। देखो ऐसे करंट था ना, ऐसे था, तो मैंने उसी डायरेक्शन में ऐसे ऐसे घुमाया, तो ये ऊपर की तरफ अपने आप आने लगा। तो ये जो स्क्रू है, जिस डायरेक्शन में ये जाएगा करंट के डायरेक्शन में, इसको घुमाने पर जिस डायरेक्शन में ये जाएगा उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। तो तुम देख रहे हो, ये था तुम्हारा सर्कुलर लूप, करंट का डायरेक्शन ऐसे, जब करंट का डायरेक्शन ऐसे था तो हमने इसको ऐसे ऊपर की तरफ, देखो ऐसे ऐसे घुमाया तो ये ऊपर की तरफ आ गया। तो ऊपर की तरफ आ गया मतलब कि क्या है कि करंट का डायरेक्शन जब ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, कैसे जा रही है, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, बात समझे, मतलब ऊपर की तरफ, मतलब ऊपर जो होगा वो नॉर्थ होगा और नीचे जो होगा वो साउथ होगा, ऊपर जो होगा ना वो नॉर्थ होगा, ये सर्कुलर लूप, तो सर्कुलर लूप में ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, समझ में आ रहा है। अच्छा देखो, अब मैंने कहा अगर कि भैया करंट का डायरेक्शन तो ऐसे था, अब एक बार करंट का डायरेक्शन तुम कैसे ले लो, ऐसे ले लो, ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज, देखो बेटा अगर तुम क्लॉकवाइज लोगे तो देखना, ऐसे ले रहे हो ना तो उसी डायरेक्शन में तुम स्क्रू को घुमाओगे, तो घुमाया तुमने, तो देखो स्क्रू को घुमाओगे तो स्क्रू अंदर घुसता जाएगा, अंदर घुसता जाएगा, अंदर घुसता जाएगा, अंदर घुसता जाएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कैसे नीचे की तरफ है, मतलब करंट जब क्लॉकवाइज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड होती है, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, और जब करंट जो होता है एंटी क्लॉकवाइज होता है तो आउटवर्ड होता है, बाहर की तरफ होता है। यहां पर देखो, जब करंट क्लॉकवाइज था तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नीचे थी, और जब करंट एंटी क्लॉकवाइज था ऐसे था तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर की तरफ थी, समझ आ रहा है, यहां से सीखो। अब यहां से सिखाते हैं, ये तो हो गया, ये तो हो गया भाई, एक बार जब एंटी क्लॉकवाइज गया तो कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे थी, एंटी क्लॉकवाइज गया तो ऊपर की तरफ थी, बात समझे, और जब क्लॉकवाइज था तो कैसे थी, नीचे की तरफ थी। तो ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन हो गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब यहां से अगर मैं आपको यहां से सिखाऊं, बोर्ड की मदद से सिखाएं, ध्यान से देखिएगा कि अगर मैंने कहा कि ये मेरे पास सर्कुलर लूप है, करंट का डायरेक्शन ऐसे 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 है, तो मैं कह रहा हूं कि अगर ये करंट का डायरेक्शन है, ये करंट का डायरेक्शन कैसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है ना, ऐसे ऐसे, देख रहा हूं, देखो ऐसे ऐसे, तो ये कैसा हो गया बेटा, एंटी क्लॉकवाइज है, कैन यू सी दिस वन इज एंटी क्लॉकवाइज बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, देख रहे हो ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे। तो अगर बेटा ये ऐसे जा रहा है, मैंने ऐसे ले लिया स्क्रू और ये ऐसे जा रहा है, तो मैंने इसको ऐसे ऐसे कसना स्टार्ट किया, ठीक है, ऐसे ऐसे कसना स्टार्ट किया, तो ऐसे ऐसे जब मैं इसको कसूंगा, देखना ऐसे करंट के डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में ऐसे 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 ऐसे, ये बाहर की तरफ आना स्टार्ट करेगा, बाहर की तरफ, देख रहे हो आउटवर्ड निकल रहा है, कैसा निकल रहा है, आउटवर्ड निकल रहा है, मतलब जब एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा तो फिर आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, आउटवर्ड, और जब क्लॉकवाइज होगा, मतलब मैं यहां कहूं, देखो एक दूसरा लूप ले लिया मैंने और इसमें मैंने करंट का डायरेक्शन ऐसे दिया है, कैसे दिया है, ऐसे 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 और फिर ऐसे, ये देखो ये कैसा है तुम्हारा, अच्छा नहीं दिखाई दे रहा होगा, एक बार रफ करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं, ये लूप है और हमने करंट का डायरेक्शन अब लिया ऐसे 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 ऐसे, अब देखो कैसा है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी जिस डायरेक्शन में चलती है क्लॉकवाइज होता है, ठीक है, 12, 3, 6, 9, तो ये क्लॉकवाइज हो गया। अच्छा अब हमने करंट के डायरेक्शन में देखो घुमाना स्टार्ट किया, ऐसे 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 ऐसे, तो देखो किधर जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है ना, तो इनवर्ड होगा, कैसे होगा, इनवर्ड, अंदर की तरफ इनवर्ड होगा, तो यहां हो जाएगा इनवर्ड, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यहां पर क्या हुआ, आउटवर्ड हुआ, यहां क्या हुआ, इनवर्ड हुआ, यहां कैसे हो रहा था, बाहर निकल रहा था, यहां कैसे हुआ, बोर्ड के अंदर घुस रहा था, यहां पर बोर्ड के अंदर घुस रहा है, यहां पर बाहर निकल रहा है, समझ गए, यहां अंदर घुस रहा है, यहां पर बाहर निकल रहा है, तो कॉर्कस्क्रू रूल भी बड़ा यूजफुल था टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन पता करने के लिए कॉर्कस्क्रू रूल को यूज किया गया। सबको बात समझ में आई, डिड यू एबल टू अंडरस्टैंड, समझ में आया। अच्छा अब मैंने कहा कि आप जो है आपके पास तो एक ही लूप है और एक ही लूप में आपको दोनों पोल दिखाने, बात समझ रहे हो, मतलब इस लूप को हम हटा दे रहे हैं, इसको तो सिर्फ समझाने के लिए लिखा हमने, लेकिन आपको एक ही लूप में, अगर आप कह रहे हो कि ये लूप एक मैग्नेट है तो इसमें दो पोल होने चाहिए, जैसा कि एक मैग्नेट है तो इसमें दो पोल है, उसी तरह इसमें भी दो पोल होने चाहिए, क्योंकि डाइपोल की कंडीशन सेटिस्फैक्ट्री होनी चाहिए, तो दो पोल कैसे दिखाओगे। अब हमने कहा कि यार ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे जा रहा है,
तो एंटी क्लॉकवाइज जाता है तो नॉर्थ पोल, तो ये नॉर्थ पोल तो समझ में आया कि नॉर्थ पोल है, लेकिन अब इसमें साउथ पोल कहां है, वेयर इज साउथ पोल। तो अगर तुम इस चीज को देख रहे हो कि देखो ये इस चीज को देख रहे हो तुम, तो ये तुमको एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है। अब इसको तुम बोर्ड में से बाहर निकाल लो, ऐसे बोर्ड में से ऐसे बाहर निकाल लो, बोर्ड में से अगर बाहर निकाल के और इसके पीछे जाकर अगर मैं देखूं, ऐसे देखो इसको बोर्ड में से हमने बाहर निकाल लिया ऐसे, और इसको पीछे जाकर के देखूं, तो यहां पर जब मैं ऐसे सामने से देख रहा था तो मुझे ये एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, लेकिन जब मैं इसको निकाल करके और पीछे से देखूंगा तो मुझे क्लॉकवाइज दिखेगा। क्या बोले, समझ में आया कुछ? कह रहा हूं कि यहां से देखने पर ये एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, अब इसको उठाकर कैसे बाहर निकालूंगा और यहां से देखूंगा तो मेरे को ये कैसे दिखेगा, क्लॉकवाइज दिखेगा। कैसा दिखेगा? क्लॉकवाइज दिखेगा। मतलब यही जो चीज है वो यहां से देखने पर नॉर्थ पोल, और पीछे से देखने पर, पीछे से देखने पर साउथ पोल, पीछे से देखने पर साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों हो गए ना, बोलो। बिल्कुल हो गए। अब बेटा नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगी और साउथ पोल की तरफ तुमको जाकर के देखो, इधर अगर तुम राइट हैंड थंब रूल लगाओ तो ऐसे ऐसे नॉर्थ पोल से जाएंगी और साउथ पोल की तरफ जाकर घुस जाएंगी। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, बस आप इतना समझो कि ये जो लूप है ना ये मैग्नेट की तरफ बिहेव करता है, इसमें दोनों पोल्स होते हैं डाइपोल। यहां पर आपको नॉर्थ पोल दिख रहा है, इसको निकाल के बाहर देखो ऐसे, देखो साउथ पोल दिखेगा, क्योंकि वहां पर क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। ऐसे एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, वहां पर क्लॉकवाइज हो जाएगा। कहानी खत्म। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, तो बेटा सर्कुलर लूप की एक और कहानी आप सुन लें कि सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो होती है वो ज्यादा होती है व्हेन इट इज कंपेयर्ड टू द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से सर्कुलर लूप की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा रहती है। रीजन क्या है? तो बेटा सर्कुलर लूप में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बनती है। कैसी? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन जहां कहीं बनने लगती है तो वो क्या हो जाता है कि उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो होती है वो ज्यादा हो जाती है। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में कहीं भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं बन रही थी। और तुम देखोगे कि अगर तुम सर्कुलर लूप लोगे, देखो मान लो ये तुम्हारे पास एक कार्डबोर्ड है, लेट अस सपोज यू हैव अ कार्डबोर्ड लाइक दिस, ठीक है, और हमने यहां पर एक होल किया, यहां पर एक यहां होल किया, एक यहां होल कर रखा है और एक यहां होल कर रखा है, और यहां से एक वायर को भेज दिया, यहां से एक वायर को भेज दिया गया, और इसको हमने क्या किया है, कनेक्ट कर दिया, किससे? बैटरी से। पॉजिटिव नेगेटिव। अब यहां से ये यहां से ऐसे वायर गया है और ऐसे जाकर के वायर एक लूप बनाया है। क्या बनाया है? लूप बनाया, ठीक है, दिस द डायरेक्शन। अब बेटा इसके चारों तरफ आयरन फिलिंग से स्प्रिंकल्ड है, तो जैसे ही इसमें से करंट पास करेगा तो ये कैसा बनाएंगे, सब कंसेंट्रिक सर्कल्स का फॉर्मेशन करेंगे सब, ऐसे 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 ऐसे, इसके भी अराउंड में बनेगा, इसके भी अराउंड में बनना स्टार्ट होगा, ठीक है। और यहां पर जाकर यहां पर देखो, यहां पर ये जो है गया, ये जो पॉइंट है, ये यहां पर जाकर के मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है? यूनिफॉर्म हो जाती है, और इसी यूनिफॉर्म की वजह से मैग्नेटिक स्ट्रेंथ सर्कुलर लूप की बढ़ जाती है। तो जब कभी सर्कुलर लूप बनाओगे तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो होगा वो ज्यादा होगा। रीजन, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का फॉर्मेशन होने लगता है, एंड ड्यू टू दैट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जनरली नेचर में तुम देखोगे कि अर्थ पे तुम देखोगे, अर्थ इज इटसेल्फ अ ह्यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट। अर्थ अपने आप में एक बहुत बड़ा मैग्नेट है कि नहीं? जैसे अर्थ अगर अपने आप में एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेट है और साथ में तुम कह सकते हो कि इसकी स्ट्रेंथ जो है बहुत ज्यादा है, तो रीजन क्या है? क्योंकि अर्थ में जो मैग्नेट है उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो यूनिफॉर्म बनना स्टार्ट हो जाती है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से अर्थ जो होता है वो स्ट्रांग मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो सेम लाइक दैट कि ये जो सर्कुलर लूप है ना, इसमें भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बनती हैं, जिसकी वजह से ये भी एक तुम बोल सकते हो स्ट्रांग मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। अब जितने ज्यादा तुम लूप बढ़ाओगे, जैसे समझो एक लूप है ऐसे, एक लूप, और तुमने ऐसे बहुत सारे लूप बना दिए, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे लूप बना दिए, तो जितने ज्यादा लूप तुम बढ़ाते जाओगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा। तो समझ में आया? राइट हैंड थंब रूल बताया मैंने आपको, कॉर्कस्क्रू रूल बताया मैंने आपको, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर बताया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप बताया, डायरेक्शन निकालना सिखाया। मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को डायरेक्शन निकालना आ गया होगा, अगर नहीं आता है तो एक बार प्रैक्टिस करें, खुद से करें, और डेफिनेटली आपको समझ आएगा। जल्दी मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, वीडियो पूरा देखा करो और अपना प्यार बनाए रखो। थैंक यू।